डूइंग अ रिसर्च मैं कुछ बहुत बड़े सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था और उनकी सक्सेस की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ रहा था। और इस सारे प्रोसेस में जो सबसे पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट मुझे मिला वो था प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस के इंग्रेडिएंट को कई बार हम अपनी लाइफ की रेसिपी में, अपनी सक्सेस की रेसिपी में मिस कर जाते हैं या इसका रियल एसेंस हम ऑब्जर्व या फील नहीं कर पाते। Hi, I am Anurag Rishi, a transformational speaker, human potential trainer and a counselor. And today, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिर्फ इस प्रैक्टिस के बारे में कि एक इंसान के इंसान से कामयाब इंसान बनने की जो प्रोसेस है इसे प्रैक्टिस कहते हैं और ये सफर हम कैसे तय कर रहे हैं। So be with me till the end of this video because आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जो प्रैक्टिस है उसके रियल एसेंस को आज हम फील करने वाले हैं। पाब्लो पिकासो जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, एक बार एक लेडी उनके पास गई और उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि वो उसका एक पोर्ट्रेट बनाए, उसकी एक तस्वीर बनाए। नॉर्मली एक आर्टिस्ट को एक पोर्ट्रेट, एक सुंदर तस्वीर बनाने के लिए कई हफ्ते या कई दिन का समय लग जाता है, लेकिन उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर पिकासो ने उनकी एक तस्वीर, उनका एक पोर्ट्रेट बनाकर के उन्हें दिया और उनको 30 मिनट्स लगे, सिर्फ 30 मिनट उस पेंटिंग को बनाने के लिए। वो लेडी बहुत हैरान हुई और उस पेंटिंग को जब उसने देखा तो वो बिल्कुल रियल लाइक पेंटिंग लग रही थी, बिल्कुल असली जैसी, जैसे वो लेडी रियल में दिख रही थी उसी तरह उस पेंटिंग को देखो तो वो बिल्कुल उस लेडी की तरह ही लग रही थी। और जब उन्होंने उनसे पूछा कि इसके बदले में मैं आपको क्या फीस पे कर सकती हूँ तो पाब्लो पिकासो ने कहा कुछ नहीं, लेकिन इसके अगर कोई चार्जेस मैं लेता तो वो $50,000 होते। $50,000 at that time was a big deal. At that time, छोड़ो आज भी $50,000 बहुत बड़ी बात है। उस लेडी ने कहा $50,000 सिर्फ 30 मिनट्स ही तो आपने इस पेंटिंग पर लगाए हैं, आपका ये जो टैलेंट है ये आप मुझे भी सिखा दो कि मैं भी 30 मिनट्स के अंदर एक पोर्ट्रेट बनाऊं और $50,000 के अंदर उसको बेच सकूं। तो पाब्लो पिकासो ने एक बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत जवाब दिया। वो बोले कि इट टुक मी 30 लॉन्ग ईयर्स टू लर्न टू मेक इट इन 30 मिनट्स। मुझे 30 साल लगे हैं ये सीखने में कि इस पेंटिंग को 30 मिनट में बेहतरीन तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप भी वो 30 साल देने को तैयार हो तो मैं आपको सिखाने को तैयार हूं और आप भी इसको $50,000 छोड़ो कई मिलियन डॉलर्स में सेल कर सकते हो। प्रैक्टिस का कोई और अल्टरनेट नहीं है। बहुत बड़े बड़े सिंगर्स से पूछो कि वो इतने महान सिंगर कैसे बने, वो कहेंगे रियाज, रियाज और सिर्फ रियाज। आप बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन से पूछो कि आपकी इतनी मैसिव सक्सेस के पीछे, आपकी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे क्या राज है, तो वो कहेंगे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्यादा जानकारी है, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो नॉलेज पड़ी पड़ी खत्म हो जाएगी। आप जान गए कि तैरना कैसे है, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन जुटा ली, लेकिन जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे स्विमर नहीं बनेंगे। एक इंसान एक सिंगर बनना चाहता है लेकिन उसके लिए रियाज ने जानते सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए रियाज नहीं कर रहे तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो एक अच्छा और बेहतरीन सिंगर बन पाए। अरिजीत सिंह का नाम आप लोग सब जानते हैं। आज के सबसे बड़े सिंगिंग सेंसेशन अरिजीत सिंह एक रियलिटी शो के अंदर गए पार्टिसिपेट करने के लिए और वहां से वो हार करके वापस आ गए, यानी कि वहां से बहुत जल्दी एलिमिनेट होकर के उस शो से बाहर हो गए। मैं नहीं जानता कि उस शो को किन्होंने जीता और किन्होंने नहीं, लेकिन आज अरिजीत सिंह ने लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया। क्यों हारने के बावजूद भी, क्यों फेलियर के बावजूद भी अरिजीत सिंह आज पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं, उसका कारण है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। अगर आपको किसी भी इंसान को जिंदगी में कभी भी हार मिलती है और हारने के बाद वो रुक जाता है या जीतने के बाद भी अगर वो रुक जाते हैं, आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने बहुत से सिंगिंग रियलिटी शोज या बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन्स जीते और जीतने के बाद आज उनका कोई नामो निशान नहीं है, आज उन्हें कोई नहीं जानता, आज न जाने वो कहां पर हैं, वो गुम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी। वो फेम मिलने के बाद, वो सक्सेस मिलने के बाद उनको लगा कि हम परफेक्ट बन गए हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, और उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी। किसी ने ये कोट हमें दिया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और जितने लोग इस
जिस जितने लोग परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाते हैं, जितने लोग सोचते हैं कि मैं परफेक्ट हो गया, उस दिन वो सैचुरेट होना शुरू हो जाते हैं, उस दिन वो धीरे धीरे डाउनफॉल उनका होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में फेलियर देखा, डिफीट देखा, लेकिन वो फिर से खड़े हुए, फिर से प्रैक्टिस शुरू की, फिर से मेहनत शुरू की, फिर से अभ्यास शुरू किया और अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकामों को हासिल किया। प्रैक्टिस कभी भी हमें परफेक्ट नहीं बनाती, प्रैक्टिस मेक्स अस बेटर, प्रैक्टिस इंप्रूव्स अस, प्रैक्टिस हमें बेहतर बनाती है। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम उतने पहले से खुद से बेहतर होते जाते हैं। एक इंसान जिन्होंने एक रूल दिया जिसे हम 10,000 आवर्स रूल कहते हैं, ये रूल कहता है कि कोई भी इंसान, चाहे उसके पास वो चीज का टैलेंट है चाहे नहीं है, अगर उस चीज की प्रैक्टिस 10,000 आवर्स तक यानी 10,000 आवर्स तक करता है तो वो उसमें स्किल्स को, मास्टरी को, बेहतरी को हासिल कर जाता है। और कहीं ना कहीं ये थ्योरी, कहीं ना कहीं ये रूल बिल्कुल सही है। 10,000 आवर्स आपको प्रैक्टिस करनी है अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। 10,000 कंटिन्यूअसली लगातार, मैं कहता हूं कि अगर किसी चट्टान पर लगातार एक बूंद भी बार बार गिरती रहे तो वो चट्टान में भी छेद कर देती है। जितने बड़े बड़े कामयाब लोगों को ऑब्जर्व करोगे, आप उनके पीछे प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस पाओगे। उन्होंने ब्रेक नहीं दिया कि 2 महीने प्रैक्टिस करो, 4 महीने की छुट्टी कर लो, वेट लॉस करना है तो 2 महीने जॉगिंग करो, 6 महीने की छुट्टी कर लो, नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ आपको रेगुलर किसी चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस 10,000 रूल को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि अगर आप रोज 1 आवर यानी रोज 1 घंटा स्पेंड करते हैं तो आपको 1 महीने में 30 आवर्स आप अपने उस टैलेंट को, उस पैशन को या जिस भी चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं आपने उसको दिए। और अगर आप इसको 1 साल में काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 12 × 30 यानी पूरे ईयर में 360 आवर्स। और अगर आपको 10,000 आवर्स कंप्लीट करने हैं तो आपको 27 लॉन्ग ईयर्स लग जाएंगे इस चीज को शुरू करने में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज म्यूचुअल फंड चल रहा है, जैसे SIP, जैसे इन्वेस्टमेंट चल रही है, कि अगर आप जितनी जल्दी एज से इतना अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपको रिटायरमेंट तक उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये सेम उसी तरह से है, अगर आप रोज 3 आवर्स प्रैक्टिस करते हैं तो मंथ में 90 आवर्स हो जाते हैं और पूरे साल में होते हैं अराउंड 1,000 आवर्स, यानी कि आपको 10 साल लगेंगे इस 10,000 आवर रूल को कंप्लीट करने के लिए। और अगर आप रोज 6 आवर्स अपने आप को देते हैं, अपनी अपनी स्किल को देते हैं, जिस चीज में एक्सेलेंस चाहिए उसको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगेंगे। और अगर आप डेली बेसिस पर 10 आवर्स अपनी स्किल को, अपने पैशन को, उस चीज में जिसमें आप एक्सेलेंस हासिल करना चाहते हैं उसको देते हैं तो आपको 3 साल से भी कम का समय लगेगा। कई लोग ये बात बोलते हैं कि कुछ लोग बहुत अर्ली एज में सक्सेस को हासिल कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा लेटर एज तक भी बहुत कुछ खास नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने 10,000 आवर रूल को फॉलो नहीं किया। एक ही चीज पर बार बार फोकस करके, लगातार अभ्यास करके, लगातार प्रैक्टिस करके उसको समय नहीं दिया, इसलिए अब तक वो 10,000 आवर्स पूरे नहीं हुए। और कुछ लोगों ने 2, 3, 4, 5 साल के अंदर ही उन पर पूरा फोकस करके, पूरा अभ्यास करके उसके अंदर मास्टरी हासिल कर ली और उसका इतना अभ्यास किया कि आज लोग उनको कामयाब लोगों की श्रेणी में गिनते हैं। सही दिशा में सही तरीके के साथ की गई मेहनत का कोई और अल्टरनेट नहीं। प्रैक्टिस कभी भी हमें परफेक्ट नहीं बनाती, प्रैक्टिस हमें बेटर बनाती है। हम कभी भी ये नहीं सोचें कि हम परफेक्ट हो गए हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली और हम परफेक्ट हो गए हैं। हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं हम अपने पहले से बेहतर होते हैं, परफेक्ट नहीं होते। हर बार इंप्रूवमेंट का स्कोप बाकी रहता है, इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करें अगली बार उससे और ज्यादा प्रैक्टिस करें अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे एक लास्ट में एक वाकया याद आ रहा है कि एक बार एक कंपटीशन हुआ जिस कंपटीशन का नाम था चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कंपटीशन। और चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कंपटीशन में, यानी कि चार्ली चैपलिन जैसे दिखने वाले लोगों का कंपटीशन हुआ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो चार्ली चैपलिन जैसे दिखते हैं। और एक मजे की बात आपको बताता हूं कि चार्ली चैपलिन खुद उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने पहुंच गए। और जब वो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पहुंचे तो हजारों चार्ली चैपलिन के बीच में वो भी उस वेन्यू में एंटर हो गए। पूरा कंपटीशन फिनिश हुआ और कंपटीशन फिनिश होने के बाद जो रियल चार्ली चैपलिन थे, जो खुद असली चार्ली चैपलिन थे, वो थर्ड पोजीशन पर आए। यानी जो असली चार्ली चैपलिन थे उनसे भी असली
बेहतरीन दिखने वाले दो और चार्ली चैपलिन थे। तो जिंदगी में कोई भी मूवमेंट, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन कभी भी परफेक्ट नहीं होती। किसी एक चीज को चुनो, किसी एक इंडस्ट्री, किसी एक स्किल सेट, किसी एक माइंडसेट के साथ एक ही दिशा में जब आप 10,000 आवर रूल को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, लगातार करेंगे, सही दिशा में करेंगे, प्रॉपर नॉलेज के साथ करेंगे, प्रॉपर डायरेक्शन में करेंगे, तो आप देखेंगे कि जिंदगी बदल गई है।